नमस्कार फ्रेंड, आईटीएन फॉर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल पर डेली आपको गवर्नमेंट जॉब की जानकारी या इससे रिलेटेड अपडेट मिलती रहती हैं। तो फ्रेंड, यूपीपीसीएल में अभी जो है एक वैकेंसी ओपन कर दी गई है। बात की जाए तो रिक्रूटमेंट जो है नोटिस आउट हो चुका है। तो ये फ्रेंड किन बच्चों के लिए है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। और फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं, मैंने आप सभी से पहले भी बोला था कि इसमें जो है वैकेंसी, जो भी भर्तियां या जो भी पोस्ट अभी खाली हैं, वो सभी जो है ये 2021 के लास्ट तक रिलीज कर दी जाएंगी। जैसे हमारी 4102 पोस्ट की बात की जाए जो है, वो भी इसी में जो है आने वाली है। तो वो सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो बस आपको वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। और फ्रेंड, आप सभी से मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर टेलीग्राम से जुड़ जाइए, ताकि आपको भी वहाँ पर जानकारी मिल सके। और फ्रेंड, आप लोग हमारे सेकेंड जो चैनल है उसको आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर आप लोग जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ITI इन्फो ब्लॉग करके है, ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग नोटिस की तरफ देखते हैं कि किन बच्चों के लिए जो है रिक्रूटमेंट ओपन हो चुकी है। तो देखते हैं फ्रेंड क्या सही है। तो फ्रेंड, इसमें देख रहे हैं जो है आ चुके हैं हम लोग। बात की जाए तो इसमें थोड़ा सा मिस्टेकिंग ये है कि जो UPRNL है उसी में निकाला गया है। उसमें बात की जा रही है UPPCL की बात की जा रही है, लेकिन UPPCL नहीं रहेगा, UPRNL रहेगा। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान दीजिए, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश राज्य ठीक है निगम लिमिटेड, ये दोनों तरफ से निकाली गई। अब बात की जाए तो किसके लिए निकाली गई, आप लोग देख सकते हैं। पद नाम जो है अवर अभियंता प्रशिक्षु विद्युत एवं यांत्रिक, इसके लिए पोस्ट निकाली गई है। तो यहाँ पे जो है कुल जो रिक्तियाँ रिलीज की गई हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पोस्टों की बात की जा रही है, काफ़ी ज़्यादा इसमें निकाली भी गई हैं। अब पद के नाम आप देख सकते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ये कंप्यूटर के लिए भी जो बच्चे हैं इसमें जो है विद्युत यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटर या कंप्यूटर से जो भी बच्चे हैं वो फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और बात की जाए इसमें जो अनरक्षित तो जो वर्ग के हैं, पुनरिक्तियक जो बात की जाए 196 इसमें दिया गया है। ठीक है, अब ऐसे में देख लेते हैं तो इसमें जो है अनरक्षित के लिए जो है 117 पोस्ट रहेगी, और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 43 रहेगा, और क्या कहते हैं अनुसूचित जात के लिए 15, अनुसूचित जनजात के लिए 9 पोस्ट रहेगी, और आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग के बच्चे उनके लिए 12 रहेगी, और दिव्यांग जन के लिए 5 रहेगी, भूतपूर्व सैनिक के लिए 9 रहेगी, और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित के लिए जो लड़ाई में जो जैसे होता स्वतंत्र संग्राम सेनानी जो इसके पहले भाग लिए थे, जो लड़ाई में जिनके घर से शहीद हुए थे, तो वो लोग भी जो है इसमें फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, उसके लिए 3 पोस्ट रिजर्व रहेगी। ठीक है, ऐसा आप लोग देख सकते हैं। इसमें देखिए नोट, उत्तर प्रदेश के निवासियों को आरक्षण एवं आयु सीमा में नियमानुसार छूट प्रदान की जाएगी। उक्त पद से संबंधित निर्धारित शैक्षिक योग्यता आयु चयन हेतु मापदंड आवेदन पत्र पूर्ण करने एवं शुल्क जमा करने इत्यादि से संबंधित विस्तृत विज्ञापन विभागीय वेबसाइट, ये आप देख सकते हैं UPRNL पे जो है 18/3/2021 से देखा जा सकता है। मतलब इसका आज 17 तारीख है, कल से जो है आप लोग इसमें फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और बहुत अच्छी बात, मतलब गुड न्यूज़ आ रही है कि मतलब आप लोग के लिए वैकेंसी रिसेंटली ओपन हो चुकी है। तो ज़रूर आप लोग जो है इसमें फॉर्म को फिलअप करना मत भूलिएगा, जो भी बच्चे हैं। और रही बात जो TU2 के लिए बात की जा रही है, तो उनके लिए भी जो है बहुत जल्द आप लोग को गुड न्यूज़ मिल जाएगा। तो ये सभी आप देख सकते हैं। अगर आप लोग एक अलग से हैं, जैसे अलग पोस्ट के लिए, तो ज़रूर आप लोग कमेंट करिएगा, ताकि मैं आप लोग के लिए भी जो भी जानकारी हो सकेगी मैं आप लोग को बता सकूं वीडियो के माध्यम से। तो ज़रूर आप लोग इस में फॉर्म को फिलअप करना मत भूलेगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि आने वाले समय में हमारे चैनल के द्वारा आपको सारी जानकारियाँ ऐसे ही मिलती रहें। और चैनल पर जो है आप लोग को लाइव क्लासेस भी प्रोवाइड की जा सके। और आप लोग हमारे सेकेंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोग जो है सेकंड चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि आने वाले समय में आपको हमारे चैनल द्वारा काफ़ी मनोरंजन वीडियो या उस पर भी जो है लाइव क्लासेस आपको मिल सके। तो आई होप कि जो जानकारी मैंने दी है वो समझ में आ गई होगी, और जो भी डाउट होगा आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं उस डाउट को क्लियर कर सकूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।